अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज फिफ्थ क्लास का हमारा न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, सांस लेना जिस चैप्टर का नाम है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें साइंस में क्या चीज़ मज़ेदार लगती है आपको पता है? हमें साइंस में वो चीज़ मज़ेदार लगती है जिसका ताल्लुक हकीकत से जुड़ा होता है, और नॉर्मली साइंस पूरी की पूरी हकीकत है, तो एक तरह से साइंस पूरी ही मज़ेदार है। पर आज का जो लेक्चर है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए आम बात है, तो इस वजह से वो पढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि सांस लेना है क्या। हम सांस ले रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि सांस ले रहे क्यों हैं, हम किस वजह से ले रहे हैं सांस, जो ले रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है, सांस ना मिले तो उसका नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सांस लेना। अच्छा बच्चों, आप सांस लेते हो, ठीक है, तो सांस में हम क्या लेते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद आबो हवा में मौजूद जो हवा है हम उसको ले रहे होते हैं, ऐसी है, लेते भी हैं और निकालते भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो गैस हम ले रहे होते हैं, जो हवा हम ले रहे होते हैं, वही निकाल रहे होते हैं? नहीं, बल्कि हम ले रहे होते हैं ऑक्सीजन गैस और ख़ारिज कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन गैस जो हमारी बॉडी में जा रही होती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस हम निकाल रहे होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, जब ही हमारी बॉडी उसको निकाल देती है। सही है, बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम ऑक्सीजन लेते क्यों हैं, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। बच्चों, हम ग़िज़ा खाते हैं, ठीक है, ग़िज़ा क्या करता है, आपको क्या लगता है ग़िज़ा हमारे खाते ही जो है हमें जाके एनर्जी दे रहा होता है? नहीं, ठीक है, ग़िज़ा खाते ही हमें एनर्जी नहीं मिल रही होती। अगर ऐसा होता तो बीमार का इलाज दवाइयों से नहीं होता, ड्रिपें नहीं चढ़ रही होती उसको, बल्कि उसको खूब दबा के ग़िज़ा खिलाई जाए और वो बिल्कुल सही तंदुरुस्त हो जाए एक दो घंटे में, पर ऐसा होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ग़िज़ा हमें ऑक्सीजन के बग़ैर एनर्जी दे ही नहीं सकती। तो दरअसल ऑक्सीजन के का ग़िज़ा को से ग़िज़ा से एनर्जी हासिल करने के लिए, तवानाई हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है हमें। किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ग़िज़ा के बग़ैर आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन रह सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन के बग़ैर हम कुछ मिनट भी रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप देखो थोड़ी सी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कम हो तो काफ़ी लोगों की सांस फूलने लगते हैं, सही है, या फिर बंद हॉल में हैं हम, लोगों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो हमें हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो फूड है वो एनर्जी कम दे रहा होता है। जब फूड एनर्जी कम देगा तो बॉडी एनर्जी के बगैर काम कर ही नहीं सकती, तो हमारी बॉडी काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले सांस लेने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। अब सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, इनहेल क्या है, एक्सहेल क्या है, सही है, इनहेल सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेना जो है वो क्या है, वो इनहेल है। सिंपल, इतनी सी बात है, सांस का नाक के ज़रिए अंदर लेना जो है वो क्या है, वो इनहेल है। इनहेल ऑक्सीजन, और जो हम सांस अंदर ले रहे होते हैं उसमें हम कौन सी गैस ले रहे होते हैं? ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, सही है। अब क्या है, ऑक्सीजन की वर्किंग क्या है, यानी कि क्यों हम ऑक्सीजन ले रहे हैं? ठीक है, फॉर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। आप इसको इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में लिख लें आप, नहीं तो उर्दू में लिख लें, सही है, फॉर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि ग़िज़ा से तवानाई हासिल करने के लिए। ऑक्सीजन हम क्यों इनहेल कर रहे होते हैं? ग़िज़ा से तवानाई हासिल करने के लिए, सही है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है?
हमारे बॉडी के हर खलिए को, हर सेल को, जो यूनिट ऑफ लाइफ है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सही है, हमारी बॉडी में जितने भी खलियात हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनको किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बगैर सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के बगैर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, सही। ये जो कैंसर वगैरह में उस जगह की स्किन ख़राब होने लगती है, उस जगह के सेल्स ख़राब होने लगते हैं, तो दरअसल वहाँ पे एक ये भी वजह होती है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही होती, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही होती, या पहुँच भी पा रही होती है तो सेल्स तक नहीं पहुँच पा रही होती, सही, बात समझ में आ गई। एक तो ये कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, सही है, जो हम गैस अंदर लेते हैं वो कौन सी है? वो ऑक्सीजन है। उसके अलावा ऑक्सीजन क्यों लेते हैं हम? ऑक्सीजन हम ग़िज़ा से तवानाई हासिल करने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी के हर हर सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, उसके बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और हमारी बॉडी के कितने सारे सेल्स हैं? हार्ट के सेल्स, लंग्स के सेल्स, लीवर के सेल्स, उसके अलावा मसल्स के सेल्स, और आपके पास ब्लड सेल्स, इतने सारे हमारी बॉडी में सेल्स मौजूद हैं जिनको क्या रिक्वायर है? जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन ना मिले तो वो क्या हो जाएंगे? डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सही। अब चलते हैं रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन क्या है? तो बच्चों इधर जो हमने पढ़ा, दरअसल वो रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या है रेस्पिरेशन? ग़िज़ा से तवानाई हासिल करने के लिए ऑक्सीजन गैस सांस की सूरत में अंदर लेने का नाम रेस्पिरेशन, सही है। या ये ऐसा निज़ाम है जिसमें हम ग़िज़ा से तवानाई हासिल करने के लिए क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, सही है, बात समझ में आ गई। इसको हम लिख लेते हैं, उर्दू में लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ग़िज़ा से तवानाई हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इस अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने फूड खाया, फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। अब जो हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, सही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसको उर्दू में हम अमले तनफ्फुस भी बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में इसको हम कहते हैं अमले तनफ्फुस, सही है। जैसे तवानाई हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये बात मैंने इस वजह से लिखी है ज़रूरत होती है क्योंकि ये रटने वाली बात नहीं है कि हम ग़िज़ा से तवानाई हासिल करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, ग़िज़ा से तवानाई हासिल करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ग़िज़ा से तवानाई मिल ही नहीं सकती। इसका मतलब हमारे ग़िज़ा को हमें तवानाई देने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। तो मस्ट हमें ऑक्सीजन इनहेल करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन सांस के ज़रिए लेनी पड़ेगी। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ग़िज़ा के साथ मिलती है, सही है, और वो नतीजे में हमें एनर्जी देती है, सही है, बात समझ में आ गई। बाकी क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक और तीसरी चीज़ इधर आपको थोड़ी सी बतानी है, ठीक है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और उसके ऑर्गन कौन कौन से हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और उसके ऑर्गन कौन कौन से हैं। बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? दरअसल
सांस लेने का ऐसा अमल जिसमें ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, सांस की सूरत में अंदर लेते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो निज़ाम क्या कहलाता है? वो निज़ाम कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। बात समझ में आ गई? रेस्पिरेटरी सिस्टम इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, सही है, ब्रीफ पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्या काम करते हैं हम, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके ऑर्गन्स के बारे में। सांस लेने का जिस्म में मौजूद निज़ाम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। और सांस हम किस तरह ले रहे होते हैं वो आपके समझ में आ गया। अच्छा जी, ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं कि इसके ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन्स, अल्लाह ताला ने हमें एक अपडेट किया हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी में आप ये समझ लो एक दूसरा रास्ता भी दिया है सांस लेने का, वो है मुंह। लेकिन असल जो रास्ता है सांस लेने का वो कौन सा है? वो है नोज़, सही है। तो फर्स्ट ऑर्गन क्या आ जाता है? नोज़। जब नोज़ से आगे जाते हैं, यानी कि जो पाइप नोज़ से लेकर लंग्स तक जा रही होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वाइंड पाइप, यानी कि हवा की नाली, सांसी भी जिसको बोलते हैं। आप अभी बकरा ईद आने वाली है तो आप उसमें देखते हो कि लंग्स के साथ एक पाइप जुड़ी हुई होती है रिंग वाली, ठीक है। वो जो पाइप है वो दरअसल वाइंड पाइप कहलाती है, ठीक है, जिसको सांसी भी कहते हैं या हवा की नाली भी कहते हैं, सही है। उसके बाद आ जाता है लंग्स, मेन ऑर्गन, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पायरेशन का जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा है? वो है लंग्स, यानी फेफड़े। उसके बाद लंग्स के अंदर वाले हिस्सों पे आ जाते हैं, यानी कि लंग्स तो वो पार्ट है जो हमें नुमाया दो पार्ट नज़र आ रहे हैं जो सांस लेने पर हमारे फूल जा रहे हैं। लेकिन लंग्स के अंदर वर्किंग कौन कर रहा है? ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफ़र, और ब्लड से दूसरी चीज़ें कौन ले रहा है? यानी कि हमारे ब्लड में ना हमारा फूड जो हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी फिर कहाँ जाएगी? फूड के पास जाएगी। जब फूड ब्लड में है तो ऑक्सीजन भी कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी। बात समझ में आ गई? अब ऑक्सीजन ब्लड के पास जाती है, और जब जिस दौरान ऑक्सीजन ब्लड के पास जाती है, ब्लड से एक गंदगी भी बाहर आती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, सही है। तो इनहेल तो आपके समझ में आ गया होगा कि इनहेल किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को। इनहेल का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। एक और चीज़ होती है एक्सहेल, इंशाल्लाह वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इधर देख लें, नोज़ हो गया फर्स्ट ऑर्गन, वाइंड पाइप हो गया, लंग्स हो गए। लंग्स के बाद अंदर कुछ जो है वो ब्रांचेज़ होती हैं, सही है, पाइप की सांसी की ब्रांचेज़ होती हैं बारीक बारीक। वो जो ब्रांचेज़ होती हैं वो कहलाती हैं ब्रोंकस। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं ब्रोंकस। ये कुछ पार्ट होते हैं हमारे लंग्स के, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिनकी बिना पर ये जो पूरा रद्दअमल है वो तय पाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब रेस्पिरेशन में मेन दो काम क्या हो रहे होते हैं? सांस लेने का अमल। सांस लेने का अमल दो तरीक़ों से हो रहा होता है, एक सांस अंदर लेना जिसको हमने इनहेल कहा, और जब हम कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन। एक होता है सांस बाहर निकालना जिसको हम एक्सहेल कह रहे होते हैं, सही है। यानी कि उसमें हम कौन सी गैस निकाल रहे होते हैं? उसमें हम निकाल रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है जब भी हम उसको अपनी बॉडी से खारिज कर देते हैं, ठीक है। एक्सहेल, कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं? एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इनहेल की, सांस की शक्ल में ऑक्सीजन को अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की, यानी कि सांस ही की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर लिया। ये था हमारा कुछ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, सही है, कि ऑक्सीजन हमें क्यों रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ।
ये आंसर आपने सारे खुद ही लिखने हैं, ठीक है। जवाब की उम्मीद मुझसे तो रखिएगा नहीं, मैं आपको ये आंसर क्वेश्चन समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से कि ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में क्या किरदार है। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन हम सांस की सूरत में लेते हैं, सही है, जो कि हमारे फूड से हमें तवानाई हासिल करवाती है। उसके अलावा हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो इसमें आपने टोटल कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 3 पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि ऑक्सीजन के हमारे जिस्म में जो किरदार है कोई 3 किरदार ऑक्सीजन के लिखने हैं, सही है, चाहे वो ज़रूरत के लिहाज से हो, चाहे वो लेने के लिहाज से हो, यानी कि हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम है, ठीक है, यानी कि सांस की शक्ल में हमें ऑक्सीजन गैस अंदर लेनी होती है, कोई दूसरी गैस नहीं लेनी होती। बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि हमारे सेल्स को रिक्वायर कौन सी गैस होती है, किसकी ज़रूरत होती है हमारे सेल्स को, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है, ठीक है, समझ में आ गया ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होने की ज़रूरत होती है, किसको, फूड को एनर्जी फराहम करने के लिए, यानी कि फूड के ज़रिए एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे निज़ाम को, ऐसे अमल को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। इसकी हेल्प आपको मिल जाएगी पेज नंबर 11 से, ठीक है, पेज नंबर 11 से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं इस वाले क्वेश्चन की फर्स्ट पैराग्राफ से, ठीक है। ये था आपका क्लास वर्क। बच्चों अब क्योंकि क्लास चलती जा रही है तो रोज़ाना ज़रूरत ना पड़े आपको बार बार बोलने की, आप हर क्वेश्चन के बाद उसकी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुना करें और उसको रोक कर फिर उसका आंसर सॉल्व किया करें। जब आप उसका आंसर सॉल्व कर लें फिर अगले क्वेश्चन पे चला करें, सही। अब जैसे इसमें आपको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, कोई 10 पॉइंट, कोई 3 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट, कोई 1 पॉइंट नहीं, बल्कि पूरा एक डेफिनेशन की सूरत में आपने 3-4 लाइनों का पैराग्राफ इसमें लिखना है क्लास वर्क में। ये अगले क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं होमवर्क की, क्या आपने घर से क्या काम करना है। होमवर्क में हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ आज़ा के नाम लिखें। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ आज़ा के नाम लिखने हुए हैं आपने, सही, नाम लिख लेंगे। अच्छा, नाम आपने इस तरह लिखना है, आज समझ में आ गई। अच्छा, इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप बुक से देखें, सही, जो जो नाम आपको मिलते हैं कहीं से भी मिलते हैं, आप कहीं से भी हेल्प लेते हैं किसी और बुक से, सही है, या फिर आप जो है वो ख़ुद देखते हैं कि भाई हमारे कौन कौन से चीज़, जैसे कि मेजर हिस्से मैंने आपको बता दिए, नोज़ हो गया, वाइंड पाइप हो गई, फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए, लंग्स के बाद फिर आ जाते हैं ब्रोंकस, लंग्स के अंदर वाला हिस्सा, उसके अलावा भी और बहुत सारे हिस्से होते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है, वो जब हम पढ़ेंगे तो उनको वन बाय वन नाम से डिस्कस करते जाएंगे, पर जो मेन हिस्से होते हैं वो ये 4 होते हैं, ठीक है। तो चाहें तो आप ये 4 भी लिख सकते हैं, चाहें तो ये टोटल 6 हिस्से बनते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये 2 हिस्से भी होते हैं, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, ये आपका जस्ट होमवर्क है, इतना आसान सा होमवर्क, ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ये तीनों चीज़ें आपने घर पे जो बबल की सूरत में इधर मैंने समझाया था आपको, वो आपने समझना है, सही है, जो लेक्चर मैंने इधर दिया था आपने कोशिश करनी है उसको समझ कर रखें, अगर आपको वो आता होगा तो बाकी आगे की चीज़ें समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी,
जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रीफ पढ़ेंगे, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा पढ़ेंगे। जज़ाक अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर के लिए।